आइए स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज अटेम्प्टेड टू असैसिनेट द इनफेमस ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स टेगार्ड। तो इसका आंसर है गोपीनाथ साहा और रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन दोनों ने ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। तो मैंने इसी सीरीज़ में पहले भी खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल्स, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक जो हुई थी और चंपारण के बारे में डिस्कशन किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था और ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पार्टियों की स्थापना का सही कालानुक्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट। तो कौन सी पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी उसको क्रोनोलॉजी में बनाना है। तो हमें पता है नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में हुई थी, मुस्लिम लीग 1967 में हुई थी, ठीक है, इसी ईयर में हुई थी, जस्टिस पार्टी बाद में हुई थी और स्वराज पार्टी 1925 में हुई थी। ठीक है, जस्टिस पार्टी का ईयर मुझे याद नहीं, आप एक बार देख सकते हैं इसको, पर क्रोनोलॉजी वही थी कि ठीक है नेशनल कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग बनी थी और स्वराज पार्टी तो 1925 में बनी थी, काफ़ी बाद में आके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस के ऐतिहासिक 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था, तो वो किसने प्रिसाइड किया था कांग्रेस का। ठीक है, तो वो एसी माजुमदार, अंबिका चरण माजुमदार ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, ओके। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने होम रूल आंदोलन शुरू करने के एनी बेसेंट के विचार का विरोध किया था। तो आप इसका पॉज करके एक बार आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स अपोज द एनी बेसेंट्स आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल लीग। तो इसका आंसर है जीके गोखले, इन्होंने होम रूल लीग का अपोज किया था और इसके मेंबर्स ने होम रूल लीग को सपोर्ट नहीं किया था, ना ही उसके मेंबर्स बने थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का एक जॉइंट सेशन हुआ था ना, जिसमें कि एक पैक्ट किया गया था और वो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना, इन दोनों ने साइन किया था। ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मुस्लिम लीग की तरफ से अली जिन्ना ने किया था। किस लिए, एक रिजल्ट, एक अग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये पैक्ट किया गया था, क्योंकि कांग्रेस जब से मुस्लिम लीग बन गई थी तो उसके बाद में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, तो लखनऊ पैक्ट इसके लिए ही किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 1905 में शुरू हुआ वो कालिगा संघ क्या था। तो एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को लागू होने के बाद ब्रिटिश ने गवर्नर जनरल का नाम क्या पढ़ा गया था। तो हमें पता है कि 1857 में जो एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में एक एक्ट आया था 1859 में,
58 में, ठीक है, उसको क्या कहते थे, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस। उस एक्ट के बाद में जो भी गवर्नर जनरल अभी तक बनाए जाते थे उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, वाइस रॉय कर दिया गया था। उनको क्या कहने लगे थे, वाइस रॉय करने लगे थे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे इंडिया के, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। भारत सरकार अधिनियम इंडियन के प्रारंभ के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था उस टाइम पे, कौन थी, तो वहाँ पे क्वीन थी, इनका नाम विक्टोरिया था, ठीक है, उनके नाम से ही प्रोक्लेमेशन आया था, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के नाम से ही आया था, तो क्वीन विक्टोरिया ही वहाँ पे वहाँ की क्वीन थी, ठीक है। अगला है यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 तब कब पारित किया गया था, When was the Government of India Act passed by Parliament by United Kingdom? तो ये 2 अगस्त 1858 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1859 के अनुसार भारत के राज्य के सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, तो उसमें 15 सदस्य थे जो कि नियुक्त किए गए थे ऐसे, ठीक है। भारतीय सुधार संघ की शुरुआत किसने की थी, हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो वो केशव चंद्र सेन, केसी सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ। किसने कहा था कि मेरा एकमात्र उद्देश्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है, Who said that my ultimate aim is to wipe every tear from every eye? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता, तो तूतीन आमिर खुसरो सही है, ईश्वर की परिमार्जन स्कॉर्ज ऑफ गॉड चेंगीज खान, भारत का लौह पुरुष सरदार, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको कहते हैं, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। क्योंकि जो ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो थे, पत्रकार जो थे, उन्होंने ये नाम बाल गंगाधर तिलक को दिया था, ठीक है, और ये कोई बहुत अच्छा टाइटल नहीं था, ये उन्होंने उनको दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है, कौन सा सही से नहीं मिला है, तो इसमें टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में बना था, फिनिक्स फॉर्म 1904 में बना था, फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड कैनिन दी हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट रेलवे लाइन लॉर्ड कैनिन नहीं, डलहौजी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डलहौजी होना चाहिए। और स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड मिंटो 2, तो ये सही है। अगला निम्न से कौन सही से नहीं मैच्ड है, तो बटलर कमीशन 1927 है, नेहरू रिपोर्ट 1928, कॉन्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान 1929 नहीं है, ठीक है, इसको आपको बताना है कब है, और गांधी इरविन एक्ट जो थी वो 1931 में हुई थी, ठीक है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एम के गांधी सॉल्ट सत्याग्रह, एम के गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, तो रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज नामक कानून को निरस्त करवाना था। फिर जब पिंडारियों ने बड़े पैमाने पर लूटपाट करके मध्य भारत में कहर ढाया था तब गवर्नर जनरल कौन थे, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द पिंडारीज हैड क्रिएटेड हैवॉक इन सेंट्रल इंडिया बाय इंडल्जिंग इन लार्ज स्केल
लूटिंग, तो इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है, तो वो तो बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में दो कथन है, ठीक है, तो ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, असर्शन कहता है विलियम बेंडिक द्वारा भारत के में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रूप में लाया गया था, तो ये सही है, ठीक है। इंग्लिश वॉज टेकन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंडिया बाय विलियम बेंडिक। अगला है, विलियम बेंडिक भारत में पश्चिम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे, तो ये बात भी सही है, वेस्टर्नाइजेशन लाना चाहते थे, वो वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे विलियम बेंडिक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करने के लिए आप ये सीरीज फॉलो करते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार पेपर पैटर्न के चीज़ें देखी जा रही हैं सारे ही एग्ज़ाम में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है, ये PDFs वैसे ही फ्रेम किए गए हैं, और इसमें हर